हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी क्रिस्पी करेला फ्राई रेसिपी। चलो सीखते हैं करेला फ्राई रेसिपी कैसे बनाते हैं, आपको भी बताऊंगी ये रेसिपी कैसे बनती है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इस तरह से गोल गोल बारीक पीसेस में कट करना है और इसके अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद है और इसको रिमूव करना है, इस तरह रिमूव करना है। हम पूरे पीसेस को इस तरह रिमूव करके रखे हैं और एक बाउल में हम ये ट्रांसफ़र करें और इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा हल्दी ऐड करें और इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये मिक्स करने के बाद हम 5-6 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे और इस पर ढक्कन डालकर रखेंगे। फिर देखिए इसमें पानी निकल कर आया है और इसका पानी इस तरह से रिमूव कर देना है, इसका जो कड़वा रहेगा वो चले जाएगा। देखिए इस तरह से रिमूव कर देना है इसमें का पानी। और एक बॉल में ऑयल ऐड कीजिए और इसमें ये हम पीसेस कट करें सो इसमें ऐड करें करेले के पीसेस और इसको ब्राउन कलर में आए तक अच्छे से फ्राई करना है। और देखिए ये थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, इस तरह से ब्राउन कलर में आए तक करेले को फ्राई करना है। और ये अच्छे से कलर चेंज हो गया है, देखिए आप भी। और एक मिक्सी में 2 चम्मच हम लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं और इसमें 1 टीस्पून खोपरे का पाउडर ऐड कर रहे हैं और 5-6 लहसुन की कलियां ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। और इसका पेस्ट बनाना है, इसका पेस्ट इस तरह से बना है लाल मिर्च का पेस्ट। और ये फ्राई करे सो करेले में हम ये पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से पकाना है और इसमें हम खोपरे का पाउडर ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून और 5 मिनट के लिए ढक्कन डाल कर रखेंगे। और हमारा ये क्रिस्पी क्रिस्पी करेला फ्राई रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।